प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं चाणक्य भाटिया, उस प्रोग्राम के साथ जहां आपको निवेश की एकदम सही और सटीक सलाह मिलती है। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपको दे सकता है मुनाफा। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। स्वागत है वैशाली आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज आपके लिए क्या क्या है खास। मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट योजना से क्या ठाणे की खस्ता हाल इमारतों के दिन बदलेंगे? क्लस्टर रीडेवलपमेंट से ठाणे में कितना होगा विकास? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और आपके होम लोन संबंधी सारी समस्याओं के हल। मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे का हाल में ही जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन खस्ता हाल और अवैध इमारतों की संख्या भी यहां बहुत ज्यादा है। अब राज्य सरकार समूह पूर्ण विकास योजना लेकर आई है, तो उसका ठाणे के विकास पर कितना असर पड़ेगा, इसका जायजा लिया अश्विनी प्रियोलकर ने। मलबे और मिट्टी का ये ढेर बहुमंजिला इमारत की निशानी है, जहां दर्जनों परिवार रहा करते थे। उम्र और देखभाल की कमी ने इसका ये हाल कर दिया। ठाणे में ऐसी लगभग 2600 इमारतें हैं और बारिश के मौसम में सभी पर तलवार लटकती रहती है, लेकिन यहाँ के निवासियों के पास इनमें रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। लीकेज तो हर एक बिल्डिंग में, पुराना बिल्डिंग है तो कुछ बोल भी नहीं सकता है। बहुत से, यानी समझो 10 में से 8 बिल्डिंग ऐसा है जो सब जूना हो गया, लाइफ पूरा बिल्डिंग का कलर हो गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लंबा इंतजार खत्म होने को है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाल में ठाणे के लिए समूह पुनर्विकास योजना लेकर आए हैं। इसके तहत ठाणे का योजना बंद तरीके से विकास होगा। खतरनाक इमारतों में रह रहे हजारों लोगों को दूसरे घर मिलेंगे। ठाणे की लगभग आधी आबादी झुग्गियों में रहती है और ये जैसे जी में आया बना ली जाती है बिना बुनियादी सुविधाओं के। इसलिए पुनर्विकास का मुख्य मकसद इन अवैध निर्माण और झुग्गियों का विकास करना है। इस समूह पुनर्विकास योजना के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ठाणे नगर पालिका ने 8 समूह चुने हैं जिनका इस योजना के तहत विकास होगा। 4 का FSI मिलेगा और निजी डेवलपर्स न्यूनतम 8000 वर्ग मीटर के समूह को चुनकर निर्माण कर सकेंगे। खस्ता हाल इमारतों में रहने वालों को 323 वर्ग फुट के मकान मिलेंगे, जबकि झुग्गी वासी 269 वर्ग फुट के घर पाएंगे। काम शुरू करने से पहले बिल्डरों को हर समूह में रहने वाले 70% लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जानकारों के हिसाब से 70% सहमति लेना आसान काम नहीं होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आमतौर से ज्यादा वक्त लेते हैं और क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा वक्त ले चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। क्लस्टर रीडेवलपमेंट का फॉर्मूला या फंडामेंटल आइडिया ही है कि साइज़ बड़ा किया जाए ताकि उस पर आप ज़्यादा बेटर मास्टर प्लानिंग वगैरह कर सकें, और इसके चलते बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आ जाते हैं। सारे कंसर्न जो लोग उसमें अफेक्टेड हैं उनके कंसर्न्स लेने में बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है, और वो एक चीज़ है जिसको सामने रखना ज़रूरी होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन चुनौतियां इतनी है कि बिल्डरों को ज्यादा भरोसा नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग करने में बहुत ही चैलेंजेस हैं। एक तो चैलेंज है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्सेस सब बढ़ गए हैं। तो आज की तारीख में आप देखा जाए तो अफोर्डेबल घरों में लगभग 30% कॉस्ट तो टैक्सेस में चले जाते हैं, बाकी जमीनों के भाव बढ़ गए हैं। हर एक साल रेडिरेक्टर रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बढ़ने के कारण भी भाव जो फ्लैट के हैं वो तो बढ़ते रहेंगे। तो मेरे अंदाज से ये दोनों जो चीज़ हैं, जैसे टैक्सेस हैं और ज़मीनों के दाम, वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ये ज़ीरो वैल्यू पर लाने की आवश्यकता है। एक और चुनौती है कि ये नए मकान बनने के बाद उसमें रहने वालों के लिए सुविधाएं भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुंबई से अश्विनी प्रियोलकर, NDTV।
आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं प्रोपेक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावर। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आदित्य शर्मा जो हमसे फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी आदित्य, पूछिए अपना सवाल। वैशाली, मैं दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ और रेडी टू मूव इन, और मेरा बजट है 1 CR से 1.10 CR और मैंने 3 प्रॉपर्टीज चूज करी हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है CHT एवेन्यू 71, सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने सिलेक्ट करी है वो है PPTP पार्क प्राइम, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सप्रेस वे 137 सेक्टर में पूर्वांचल रॉयल पार्क। अब मुझे इन तीनों में से आप ये बता दीजिए कि विच इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी टू गो फॉर। एंड सेकेंड, CHT 71 से मेरा एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका इम्पैक्ट क्या होगा फॉर लिविंग एंड फॉर फ्यूचर एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। जी हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। वैशाली, क्या आप सजेस्ट करते हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने सोचा है कि क्या वो सही हैं या कोई और प्रोजेक्ट इनके लिए है? जी, सबसे पहले तो आदित्य जी, जो क्षेत्र आपने चुने हैं उन पे कुछ राय देना चाहेंगे। जो आपने गुड़गांव में सेक्टर 71 का चुनाव किया है, सोना रोड और NH8 के बीच का सेक्टर के बीच के एरिया में ये सेक्टर पड़ता है। यहाँ पे आपने खुद ही आइडेंटिफाई किया था कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से कुछ दिक्कतें आपको आ रही थी, इस वजह से आपको कुछ हेजिटेशन थी यहाँ पे प्रॉपर्टी चुनने के लिए। इसीलिए हमें भी ये लगा कि आपके लिए नोएडा का क्षेत्र बेहतर होगा, खास करके इसलिए भी क्योंकि आप दिल्ली में काम करते हैं और नोएडा की कनेक्टिविटी जिन सेक्टर्स का चुनाव आपने किया है दिल्ली से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने सेक्टर 75 चुना है जो नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सेक्टर वेल डेवलप्ड सेक्टर 50 के पास है जहां का सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका ज़रूर फ़ायदा इस सेक्टर को भी होता है। सेक्टर 137 जो आपने चुना है वो अपने आप में एक हाउसिंग हब है, यहाँ पर एक प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी है और FNG कॉरिडोर से बिल्कुल एडजॉइनिंग सेक्टर है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इन सेक्टर्स की, जिसकी वजह से हमें नोएडा का क्षेत्र आपके लिए बेहतर लगा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में 13 है, नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 में 23 और सेंट्रल नोएडा में करीब 57 है। टोटल सप्लाई सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में 5,610 यूनिट्स की सप्लाई है, नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 में 19,740 यूनिट्स की सप्लाई है और सेंट्रल नोएडा में 40,260 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स पे नज़र डालें तो सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हम रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 में 470 यूनिट्स उपलब्ध हैं और सेंट्रल नोएडा में 1,710 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 में बिल्कुल ना के बराबर है, नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 में 12 महीनों का चल रहा है और सेंट्रल नोएडा में करीब 20 महीनों का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। मिड सेगमेंट के औसत दाम देखें तो सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 पे करीब 6,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है, नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 पे 4,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं और सेंट्रल नोएडा में 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम प्रिवेल कर रहे हैं। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 के प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 15% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में। उसी दौरान नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 में भी 15% तक की बढ़त नज़र आई है और सेंट्रल नोएडा में करीब 12% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को सेक्टर्स बिटवीन सोना रोड और NH8 और नोएडा एक्सप्रेस वे स्ट्रेच 2 के इन्वेस्टर्स को लगभग एक जैसे 6% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं और सेंट्रल नोएडा के इन्वेस्टर्स को करीब 5% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं आपके चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चूज किए हैं। सेक्टर 71 में CHT डेवलपर्स का एवेन्यू 71 प्रोजेक्ट आपने चुना है, 3 BHK की 1743 से 1762 स्क्वायर फुट की यूनिट है, 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे औसत दामों से कम पे ये मिल रहा है, रीसेल मार्केट से उपलब्ध है, 2014 में तैयार हो गया था। अपने आप में ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे आपने लोकेशन आइडेंटिफाई की है कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पास में है जिससे आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट पे आपको राय न दे के आपके जो नोएडा में सिलेक्शंस हैं उस पे राय ज़रूर देंगे। सबसे पहला जो आपने चुना है सेक्टर 137 में पूर्वांचल ग्रुप का रॉयल पार्क प्रोजेक्ट है, 5,200 to 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे
रीसेल से आप इसे ले सकते हैं। 3 BHK की 1950 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये रेडी हो गया है, इसीलिए कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। 13 एकड़ के लैंड एरिया में 16 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड टू 14 से 15 से 19 फ्लोर्स तक स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। पोजेशन अर्ली लास्ट ईयर हुआ है। 300 परिवार इसमें रह भी रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। प्राइस एडवांटेज अभी भी मिल रहा है आपको। दूसरा जो आपने चुनाव किया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल इसी प्रोजेक्ट की तरह। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है सेक्टर 75 में जेएम हाउसिंग का, जेएम अरोमा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। 4,800 टू 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1850 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 एकड़ के लैंड एरिया में 7 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड पर 17 स्टोरीज के। 2015 में ही ये प्रोजेक्ट रेडी हुआ है और सेक्टर 75 के काफ़ी करीब है, जो जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है, जिससे ज़रूर इस प्रोजेक्ट को भी फ़ायदा होगा। ये 3 किलोमीटर दूर है ऑपरेशनल नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। जैसे हमने कहा, पोजेशन इसका लास्ट ईयर ही हुआ है। प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। हमारी राय में जो नोएडा के आपके प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। जेएम हाउसिंग के प्रोजेक्ट हम रैंक 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपके पास नोएडा एक अच्छा विकल्प है आपके बजट में, और आप वहाँ पे जो आपने जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक गुड़गांव का हटा के अगर आप नोएडा के 2 प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। 75 की अच्छी कनेक्टिविटी है, वहीं 137 काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड सेक्टर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल लेते हैं हम, जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी हम 35 लाख हमारा बजट है और लखनऊ में हम मकान ढूंढ रहे थे, फैजाबाद रोड पे, तो वहाँ कोई अच्छे अगर प्रोजेक्ट हो तो बताइए। जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। तो वैशाली, क्या आप सजेस्ट करते हैं? हर्ष, आपने जो सिलेक्शन किया है उसके हिसाब से हम आप विला का भी चुनाव करना चाह रहे थे, लेकिन विला डेवलपमेंट थोड़ा फ्रैगमेंटेड है लखनऊ में। आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए जो साइजेज़ हैं विलाज के, वो आपके बजट के भीतर नहीं आ रहे थे, इसलिए हम अपार्टमेंट की राय लाए हैं। फैज़ाबाद रोड और देवा रोड पर हमने चुनाव किया है। फैज़ाबाद रोड एक ही ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, हिस्सा है ये NH 28 का, जो लखनऊ को बरौनी से जोड़ता है और गोमती नगर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक CBD है जहाँ पे कई गवर्नमेंट ऑफिसेज बेस्ड हैं, कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र का। साथ में देवा रोड जो है वो भी गोमती नगर से 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है, इसीलिए हमें ये 2 क्षेत्र आपके लिए पसंद आए हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। दोनों मार्केट्स के डेटा हम रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देवा रोड पे 6 हैं और फैज़ाबाद रोड पे 20। टोटल सप्लाई देवा रोड पे 2,350 यूनिट्स की है, फैज़ाबाद रोड पे 4,460 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स देखें तो देवा रोड पे 1,460 हैं और फैज़ाबाद रोड पे 580 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग देवा रोड पे करीब 23 मंथ्स का चल रहा है और फैज़ाबाद रोड पे करीब 18 मंथ्स का। अफोर्डेबल टू मिड सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो देवा रोड पे हैं 2,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम और फैज़ाबाद रोड पे हैं 2,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम। दामों में बढ़त देवा रोड पे करीब 13% तक की देखी गई है और उसी दौरान पिछले 2.5 सालों में फैज़ाबाद रोड पे करीब 10% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, देवा रोड पे 5 से 6% के बीच में रहे हैं और फैज़ाबाद रोड पे करीब 4% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए देवा रोड पे NG बिल्डकॉन का कोहिनूर पर्ल प्रोजेक्ट है। 2,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,185 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में पिछले साल ये रेडी हो गया है। 2 इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स बनाए गए हैं ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स के और प्रोजेक्ट जो है 1.3 किलोमीटर्स दूर है फैज़ाबाद रोड क्रॉसिंग से, 2 किलोमीटर दूर है BBD यूनिवर्सिटी से, जो एक मेजर लैंडमार्क है, और 7 किलोमीटर की दूरी पर है गोमती नगर रेलवे स्टेशन से, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। पोजेशन इसका लास्ट ईयर भी हुआ है। दूसरी राय आपके लिए फैज़ाबाद रोड पे गोल इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल हाइट्स, जो आप 2,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1290 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में इसी साल ये तैयार हो जाएगा। करीब 4 एकड़ पे 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज के। प्रोजेक्ट कनाल रोड पे लोकेटेड है और रेडी टू मूव इन हो
चुका है, पोजेशन इसका अभी ऑफर हो रहा है, प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए एक्टेक ग्रुप का एक्टेक ग्रीन्स है, जो देवा रोड पे लोकेटेड प्रोजेक्ट है। 2450 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से आपको मिल रहा है 3 BHK की 1350 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये 2016 में तैयार होगा। 5 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज के प्रोजेक्ट में। लिमिटेड इंडिपेंडेंट विलाज भी हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी रुचि थी विला प्रोजेक्ट्स में। 500 मीटर दूर है ये देवा रोड से, 3.5 किलोमीटर दूर है फैजाबाद रोड से, और कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस स्टेजेस तक हो चुका है। 2016 के एंड तक ये आपको मिल भी जाएगा। तो आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है आसपास के क्षेत्रों में, और जो क्षेत्र वैशाली ने बताए हैं वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस अलग अलग अच्छे प्राइस रेंज पर आपको मिल रहे हैं। तो पहला है एनजी बिल्डकॉन का कोहिनूर पर्ल प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपना घर खरीद सकते हैं। दूसरा है गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर का गोयल हाइट्स, और तीसरा रिकमेंडेशन जो वो दे रही है वो है एफटेक ग्रुप का एफटेक ग्रीन्स। अगला सवाल सी ए राजकुमार बैद का है, जो हमें ईमेल करके पूछ रहे हैं कि उनको एक 2 BHK फ्लैट लेना है कोलकाता में, और उन्होंने जिन एरियाज़ का चुनाव किया है वो है चिनर पार्क, EM बाईपास और रूबी, और उनका बजट है 35 लाख रुपए। तो वैशाली आप क्या सजेस्ट करती हैं? राजकुमार जी, आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए EM बाईपास जो क्षेत्र है ये थोड़ा महंगा पड़ रहा था। यहाँ के औसत दाम 5,900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे थे। चिनार पार्क जो है वहाँ के भी औसत दाम काफ़ी हाई हैं, इसीलिए हमें नरेंद्रपुर आपके लिए बेहतर लोकेशन लगी। ये करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है चिनार पार्क से, तो आपके चुनिंदा चोजन मार्केट्स के दायरे में पड़ता है ये। EM बाईपास के आइदर साइड्स पे लोकेटेड एक ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया है, और इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, गारिया से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र का स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें ये आपके लिए पसंद आया है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। अपार्टमेंट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको नरेंद्रपुर में। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 24 हैं, टोटल सप्लाई 2,330 यूनिट्स की है, उपलब्ध यूनिट्स 900 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 16 महीनों का चल रहा है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में करीब 25% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10 से 11% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय हमारी जो आपके लिए नरेंद्रपुर में है वो है मेफेयर ग्रुप का एलीट, 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 870 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, 2016 में ये तैयार हो जाएगा। एक स्टैंडअलोन टावर है जिसमें 3 विंग्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स के, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एंड ऑफ द ईयर तक रेडी हो जाने की उम्मीद है, और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए नरेंद्रपुर में SGIL ग्रुप का SGIL गार्डेनिया, 3,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 903 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, 2016 में ये भी तैयार हो जाएगा। इसके भीतर भी 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स के, प्रोजेक्ट जो है NSE बोस रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और 5.6 किलोमीटर्स दूर है कवि नजरूल मेट्रो स्टेशन से, जो गारिया में लोकेटेड है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काफ़ी एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है, फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुँच चुका है ये, और पोजेशन एंड ऑफ द ईयर तक हो जाने की उम्मीद है। तीसरी राय आपके लिए नरेंद्रपुर में अमाया रियल्टी का अमाया रेसिडेंसेस, 3,710 टू 4,005 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 846 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है, 2019 में ये तैयार होगा, तो इसका थोड़ा लेट है पूरा कंप्लीशन। कुल मिला के 3 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 11, 12 एंड 14 फ्लोर्स के, प्रोजेक्ट जो है NSE बोस रोड पर लोकेटेड है, 5.5 किलोमीटर्स दूर है कवि नजरूल मेट्रो स्टेशन से, कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में शुरू हुआ है इसका, और पोजेशन अर्ली 2019 तक हो जाने की उम्मीद है। आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, एक नज़र डालते हैं क्या क्या है वो। पहला है मेफेयर ग्रुप का एलीट प्रोजेक्ट जिस पे आप नज़र डाल सकते हैं, दूसरा है SGIL ग्रुप का SGIL गार्डेनिया, और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम रेकमेंड कर रहे हैं आपको वो है अमाया रियल्टी का अमाया रेजिडेंसेस। वक्त है छोटे से एक ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी ट्रैकर में हम नजर डालते हैं बाइकला मुंबई के एक प्रोजेक्ट पर।